बीते साल अभिनेता प्रभास की फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर को छोड़ दे तो साउथ की कोई दूसरी फिल्म हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच अपनी पहचान नहीं बना पाई। फिर चाहे वो रजनीकांत की फिल्म जेलर हो, विजय की फिल्म लियो या फिर राघव लॉरेंस की जिगर ठंडा डबल एक्स, ये फिल्में साउथ में जितनी बड़ी हिट हुई उतनी सफलता हिंदी में नहीं ला पाई। इसके बावजूद साउथ की फिल्मों का हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच ज़बरदस्त क्रेज है। साल 2024 में भी साउथ की एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही हैं। आइए डालते हैं एक नज़र इन फिल्मों पर। फिल्म सालार पार्ट 1 सीज फायर के जरिए अभिनेता प्रभास की बड़े पर्दे पर एक बार फिर जबरदस्त वापसी हुई है। उनकी फिल्म कल की 2898 AD को लेकर अभी से दर्शकों के बीच क्रेज देखने को मिल रहा है। नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही इस फिल्म का बजट 600 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। ये फिल्म साइंस फिक्शन और पौराणिक कथाओं के बीच की कड़ी है। इस फिल्म में प्रभास कल्कि की भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में कमल हसन, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। तेलुगु और हिंदी भाषा में एक साथ बन रही ये फिल्म 12 जनवरी को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और अंग्रेजी भाषा में रिलीज होगी। तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म गुंटूर कारम में अभिनेता महेश बाबू फिल्म निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ तीसरी बार काम कर रहे हैं। इससे पहले महेश बाबू निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास के निर्देशन में अथाड़ू और खलेजा में काम कर चुके हैं। इस फिल्म में अभिनेता महेश बाबू के साथ श्रीलीला नजर आएंगी। पहले ये भूमिका पूजा हेगड़े करने वाली थी। इन दोनों के अलावा फिल्म में मीनाक्षी चौधरी, जगपति बाबू, जयराम, प्रकाश राज, रम्या कृष्णन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। ये फिल्म 12 जनवरी 2024 को संक्रांति पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। मलयालम फिल्मों के दिग्गज अभिनेता मोहनलाल की मलयालम फिल्म मलाई कोट्टाई वलीबन एक पीरियड ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में अभिनेता मोहनलाल मलाई कोट्टाई वलीबन की शीर्षक भूमिका निभा रहे हैं। लीजो जॉस पेलिसरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मोहनलाल के अलावा सोनाली कुलकर्णी, दानिश सैत, हरीश पैराडी की मुख्य भूमिकाएं हैं। इस फिल्म में मोहनलाल ने एक ऐसे पहलवान की भूमिका निभाई है जो रास्ते में आने वाले किसी को भी पटकनी देने के लिए तैयार रहते हैं। इस फिल्म का संगीत प्रशांत पिल्लई ने तैयार किया है। ये फिल्म गणतंत्र दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म ट्रिपल आर के जरिए पूरी दुनिया में धूम मचाने के बाद इन दिनों अभिनेता जूनियर NTR अपनी आगामी तेलुगु फिल्म देवरा को लेकर काफी चर्चा में है। कोरताला शिवा के निर्देशन में बन रही ये फिल्म तटीय भारत की भूली हुई भूमि पर आधारित है। साउथ के अलावा इस फिल्म का हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच अभी से जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। इस फिल्म में जूनियर NTR के अलावा सैफ अली खान, जानवी कपूर, प्रकाश राज, शाइन टॉम चाको की मुख्य भूमिकाएं हैं। बताया जा रहा है कि ये फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी। फिल्म का पहला पार्ट 5 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। इस फिल्म के भी संगीतकार अनिरुद्ध रविशंकर ही हैं। अभिनेता सूर्या की मुख्य भूमिका वाली कांगुआ एक तमिल भाषा की पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सिरुथाई शिवा ने किया है। इस फिल्म में सूर्या के अलावा बॉबी देओल, दिशा पाटनी, जगपति बाबू, नटराजन सुब्रमण्यम, योगी बाबू, रेडिन किंग्सले की मुख्य भूमिकाएं हैं। बॉबी देओल और दिशा पाटनी इस फिल्म के जरिए तमिल सिनेमा में कदम रख रहे हैं। ये तमिल भाषा की सबसे महंगी फिल्म बताई जा रही है। इस फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने दिया है। ये फिल्म 11 अप्रैल 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म लियो के बाद साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय अपनी आगामी फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को लेकर खूब चर्चा में है। इस फिल्म में अभिनेता विजय बाप बेटे की दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में माइक मोहन, प्रशांत प्रभु देवा, स्नेहा, लैला, जयराम, मीनाक्षी चौधरी और योगी बाबू की मुख्य भूमिकाएं हैं। फिल्म का संगीत युवान शंकर ने दिया है। ये फिल्म 31 जुलाई 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तमिल सिनेमा के मशहूर निर्देशक एस शंकर की फिल्म में साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हसन एक उम्रदराज स्वतंत्रता सेनानी सेनापति के रूप में नजर आएंगे। ये फिल्म 1996 में रिलीज ब्लॉकबस्टर फिल्म इंडियन का सीक्वल है। इस फिल्म में कमल हसन के अलावा एस जे सूर्या, काजल अग्रवाल, प्रिया भवानी शंकर, रकुल प्रीत सिंह, नेदुमुदी वेणु, पीयूष मिश्रा, जाकिर हुसैन, अखिलेंद्र मिश्रा, जॉर्ज मैरिन व अन्य कलाकार की मुख्य भूमिकाएं हैं। इस फिल्म के संगीतकार अनिरुद्ध रविशंकर हैं, जिनकी पहचान हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर है। ये फिल्म 15 अगस्त 2024 को रिलीज के लिए तैयार है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रामचरण इन दिनों ट्रिपल आर की जबरदस्त कामयाबी के बाद अपनी आगामी फिल्म गेम चेंजर को लेकर सुर्खियों में है।
तेलुगु भाषा में बनी ये फिल्म राजनीतिक एक्शन फिल्म है। एस शंकर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रामचरण एक आईएएस अधिकारी की भूमिका में है। बताया जा रहा है कि फिल्म में रामचरण की दोहरी भूमिका होगी। फिल्म में रामचरण के अलावा कियारा आडवाणी, एस जे सूर्या, जयराम, अंजलि, सुनील, नासर, श्रीकांत की मुख्य भूमिकाएं हैं। फिल्म का संगीत एस थमन द्वारा तैयार किया गया है। ये फिल्म सितंबर में रिलीज होगी, लेकिन आधिकारिक रूप से रिलीज डेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। फिल्म जेलर की अपार सफलता के बाद तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत जल्द ही तमिल फिल्म वेट्टयन में एक बार फिर दमदार भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में रजनीकांत एक सेवानिवृत्त मुस्लिम पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में रजनीकांत के साथ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत ने आखिरी बार साल 1991 में रिलीज फिल्म हम में एक साथ काम किया था। अब 32 साल बाद फिल्म में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत की जोड़ी देखने को मिलेगी। टीजे ज्ञानवेल के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में रजनीकांत और अमिताभ बच्चन के अलावा फहद फासिल, राणा दग्गुबती, मंजू वॉरियर की मुख्य भूमिकाएं हैं। इस फिल्म की संगीत रचना अनिरुद्ध रविशंकर ने की है। ये फिल्म इसी साल रिलीज होगी, लेकिन अभी तक फिल्म के रिलीज डेट की आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइस की जबरदस्त कामयाबी के बाद इस फिल्म के सीक्वल का दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार है। सुकुमार के निर्देशन में बनी अभिनेता अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा रश्मिका मंदना, फहद फासिल, सुनील अनसुईया भारद्वाज दमदार भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है, जिनके फिल्म पुष्पा द राइज में सभी गाने हिट थे। कन्नड़ा भाषा में बनी फिल्म कांतारा जब देश की बाकी भाषाओं में डब होकर रिलीज हुई तो इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और देखते ही देखते ये फिल्म ब्लॉकबस्टर फिल्म हो गई। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में अभी से काफी उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म कांतारा चैप्टर 1 में कांतारा के पहले की कहानी दिखाई गई है। तुलु क्षेत्र में प्रमुख पौराणिक देवता पंजुरली देवा की उत्पत्ति के बारे में बनी इस फिल्म के लेखक निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने ही फिल्म में लीड भूमिका निभाई है। ये फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज हो सकती है। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।